हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं गौरव सिंह, आज आपको मैं क्लास इलेवेंथ का पाठ एक भौतिक जगत पढ़ाऊंगा। भौतिक जगत में सबसे पहली बात होती है भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। अब भौतिक शब्द आया कैसे, भौतिक शब्द का इंग्लिश में नाम जो होता है फिजिक्स होता है, जो कि ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति के बारे में जानना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रारंभ में इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, अब इसको भौतिक विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान, पहले बात सुनिए, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं, ध्यान देंगे, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ध्यान देंगे। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स जो शब्द लिया गया वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से है इसका अर्थ, और फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात प्रकृति के बारे में जानना ही प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहलाता है। जो भौतिक विज्ञान है उसको पहले के ज़माने में प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अब बात हम करते हैं भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे लेट्स सी, हम देख लेते हैं सूर्य का निकलना, ये भी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। सूर्य का निकलना और सूर्य का अस्त होना। अब सुनिए, सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किससे संबंधित है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन किससे संबंधित है, भौतिक विज्ञान से। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत पहली बात आती है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, ध्यान देंगे कि द्रव्य कहते किसे हैं। द्रव्य वे पदार्थ होते हैं, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिसमें भार होता है। द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिसमें भार होता है और जो स्थान को घेरता है। लेट्स सी, देख सकते हैं आप, मार्कर ने स्थान को घेर लिया है और इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिसमें भार होता है, वजन होता है और जो स्थान को क्या करता है, घेरता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य बेटा तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। सुनिएगा, ठोस क्या है, ठोस वे पदार्थ, देखिए द्रव्य हमने बताया, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिसमें भार होता है। द्रव्य तीन प्रकार का होता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब बात करते हैं ठोस क्या है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। मतलब वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं रहता परंतु आयतन निश्चित रहता है। जैसे
इस बॉटल में अगर पानी को भरा जाए तो पानी इसी का रूप ले लेगी, जैसे ये बॉटल है ऐसे ही पानी भी भर जाएगी, तो इसका आकार निश्चित नहीं है। अगर हम भगोने में डालें पानी को तो पानी भगोने का आकार ले लेगी, उसे द्रव कहते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, ध्यान देंगे, जिनका आकार निश्चित नहीं रहता परंतु आयतन निश्चित रहता है। तीसरा होता है गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं रहता है, उसे गैस कहते हैं। फिर हमारी आपकी बात चलेगी ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा, नेक्स्ट हेडिंग आती है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य, सुनिएगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए कार्य कहलाता है, या फिर बल और विस्थापन के गुणनफल को अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसमें नेक्स्ट बात हमारी आपकी आई कार्य किसे कहते हैं। कार्य सुनेंगे क्या, कार्य क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसके और वो वस्तु जो है वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, उसी को कार्य कहते हैं। बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। बल की दिशा में विस्थापन कार्य, लेट सी कि ये एक मार्कर है, इस पे मैंने बल ऊपर की ओर लगाया तो ये मार्कर किस ओर गया? ऊपर की ओर जाएगा ना, तो यही है कार्य। फिर हमारी आपकी बात चलती है बल क्या है। बल, कार्य तो हमने बताया, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। फिर हमारी आपकी बात चलती है बल किसे कहते हैं। बल, बल किसे कहते हैं? बल को अब ध्यान से देखेंगे। बल वह खिंचाव अथवा दबाव है, बल वह खिंचाव अथवा दबाव है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा आकार में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल किसे कहते हैं? तो बल किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, बल वह खिंचाव अथवा दबाव है जो किसी वस्तु के आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयास करे। लेट्स सी कि मैंने इस पे बल लगाया, इसको उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, ये बल हुआ। लेकिन हम इसको इस दीवार पे बल लगाएं और ये टूटे ना, ना इसके आकार में परिवर्तन हो ना इसके स्थिति में परिवर्तन हो, तो क्या बल नहीं लगा? बल लगा, प्रयत्न तो किया गया, जो प्रयत्न किया वही बल है। बल वह खिंचाव अथवा दबाव है जो किसी वस्तु के आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। देखिए भैया, पढ़ा तो रहा हूँ पूरे मन से, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और लाइक करना कभी ना भूलें। कमेंट चाहे करें या ना करें, लेकिन क्या क्या मैंने बताया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना
और लाइक करना कभी ना भूलें। जिस प्रकार मैं एक हेडिंग को चार बार बताता हूँ, उसी प्रकार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और वो जो लाइक होता है उसे करना कभी ना भूलें, कभी जीवन में ना भूलें। अब आगे चलते हैं माँ, अब हमारी आपकी बात आगे के वीडियो में होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।